मसाला से सांभर में रंगत आ जाती है और इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आज मैं आपके साथ सांभर मसाला की सीक्रेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सांभर मसाला बनाने से पहले मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि तो कुछ लोगों को मेजरमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इस रेसिपी में मैंने तीन चीजों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आधा कप जो कि 100 ml का होता है, और अगर आपके पास आधा कप नहीं है तो आप कोई भी मेजरिंग गिलास या कटोरी से भी 100 ml ले सकते हैं। अब मैंने टेबल स्पून का यूज किया है जो कि 15 ml का होता है। अगर आप मार्केट से जार खरीदते हैं तो कई बार उसमें भी इस तरह की स्पून आती है। ये देखिए, इसमें आधा TVSP लिखा है। TVSP यानी कि टेबल स्पून होता है। अब आता है टी स्पून, तो ये 5 ml का होता है और ये भी मार्केट में बॉक्स के साथ मिल जाता है और इसमें TSP लिखा होता है यानी कि टी स्पून, और मार्केट में मेजरिंग कप भी आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट क्लियर। अब सांभर मसाला बनाने के लिए पैन या कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें आधा कप साबुत धनिया डालेंगे। आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और धनिया को लगातार चलाते हुए बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होने तक सौते करेंगे। ध्यान रखें कि इसका कलर ज्यादा डार्क ना होने दें। प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून तुअर दाल, 1 टेबल स्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द दाल, और अब तीनों दाल को धीमी आंच पर हल्का सा भूनना है। यहाँ पर हमने सभी मसालों को अलग अलग रोस्ट किया है क्योंकि सभी का कुकिंग टाइम अलग अलग होता है, लेकिन सभी दालों का कुकिंग टाइम लगभग एक सा होता है, इसलिए सभी दालों को हम एक साथ रोस्ट कर सकते हैं। प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसमें हम लेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च के दाने, 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, और इनको भी धीमी आंच पर लगभग 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इनका कलर ज्यादा डार्क ना होने दें। इनको भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में 1/2 टेबल स्पून जीरे और 1/2 टीस्पून सरसों के दाने डालेंगे। इनको भी उसी तरह रोस्ट करेंगे जब तक जीरे और सरसों का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। प्लेट में निकाल लेंगे। हमने सारे मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इन मसालों को हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको जार में ट्रांसफर करेंगे। अब हम इनमें कुछ सूखे पिसे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब 1/2 कप लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने कलर वाली लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है। इसके लिए हमें तीखी लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और सभी मसालों को एकदम महीन पीस कर तैयार करेंगे। इसके बाद मैं आपको जल्दी ही सांभर की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें हम इसी मसाले का यूज करेंगे, और जब भी आप सांभर बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। मसाले चेक करेंगे, ये देखिए एकदम महीन मसाला पिसा है। इसे आप कोई भी एयर टाइट जार में रख दें, ये पूरे साल भर तक खराब नहीं होगा। इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। तो जल्दी से बना कर रख लीजिए सांभर मसाला पाउडर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी के साथ।